गाजियाबाद में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसी के दादा द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके की है, जहां नाईपुरा इलाके में रहने वाला एक युवक अपनी 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ थाने पहुंचा और बच्ची के 59 वर्षीय दादा पर बच्ची से रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत पुलिस को दी। 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात की शिकायत पर पुलिस भी सकते में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया और बच्ची के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मासूम से रेप करने के आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में SP लोनी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि लोनी बॉर्डर थाना में सगे दादा द्वारा 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप की शिकायत पुलिस को मिली थी। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और शिकायत दर्ज कर पुलिस की टीम बना आरोपी बच्ची के दादा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना लोनी बॉर्डर के नाईपुरा मोहल्ले में एक 1.5 वर्षीय मासूम के साथ उसके सगे दादा द्वारा दुष्कर्म किए जाने की सूचना कल उसके पिता के द्वारा दी गई। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए बच्ची को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया और टीम का गठन किया गया था गिरफ्तारी के लिए, जिसमें कि उसके सगे दादा संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।